हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट लेसन जो आपने कंप्लीट कर लिया था वो कैपेटेंसी को लेके किया था। हमने कैपेटेंसी की बात की थी, डिफरेंट कैपेसिटर्स लिए थे। आप पैरेलल कैपेसिटर था, स्फेरिकल कैपेसिटर था। अब नाउ हम एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्टेड है। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम थोड़ा अगर बेस बनाना चाहेंगे तो हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट लेसन स्टडी किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड को लेकर बात की। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्या होती है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की हमने बात की, ठीक है। तो उसी इलेक्ट्रिकल फील्ड से काफी सारे कनेक्टेड टॉपिक्स होंगे जो हम वापस से इसमें ब्रीफ करेंगे। बस इतना ही है कि वहां हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात की, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की बात की। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा कन्वर्ट करना होगा। यहाँ बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय, ठीक है, बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे। तो यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ब्रीफ करना चाह रहे हैं। तो मेन जो टॉपिक हमारा होगा वो तो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन। क्या कहा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन क्या होता है सर? अगर हम हिंदी में लिखे इसको, तो इसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का नाम भी यही है आपका। हम इस पूरे लेसन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन की बात करेंगे या विद्युत चुंबक के प्रेरण की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन क्या होता है, विद्युत चुंबक के प्रेरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करनी पड़ेगी, चुंबकीय फ्लक्स की बात करनी पड़ेगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बात करेंगे। फिर इसको हम थोड़ा कुछ नॉमिकल टाइप की प्रॉब्लम्स करेंगे, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स आपको अंडरस्टूड होगा तो उसके बाद में हम लोग किस टॉपिक पर आप आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन टॉपिक को डिफाइन किया फैराडे ने। किसने किया? फैराडे एक साइंटिस्ट था जिन्होंने अपना एक प्रैक्टिकल किया, उसके बेसिस पे उसने अपने कुछ रिजल्ट लिखे जिनको हमने फैराडे फर्स्ट लॉ कहा। सेकंड रिजल्ट को हमने फैराडे सेकंड लॉ कहा। इसी में एक लेंज का लॉ भी आएगा, लेंज लॉ भी हम स्टडी करेंगे। तो वो सेकंड टॉपिक हमारा होगा। एट फर्स्ट हम लोग किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं सर? मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जब आपको ब्रीफ होगा तभी हम फैराडे लॉ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन की बात कर पाएंगे। तो सर पहला टॉपिक जो हमारा है वो सर मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। तो आप देखो, जैसे हमने किया था इलेक्ट्रिकल फील्ड, विद्युत क्षेत्र, और फिर किया था इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स की बात की थी हमने। तो सिमिलर वे में हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे। सिमिलर वे में क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे। अगर अपन बात करें, आप देखें, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सपोज करो सर ये है एक मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज कीजिए सर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं हम लोग। ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो सर हम इस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करना चाहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की बात करना चाह रहे हैं। तो क्या है सर मैग्नेटिक फ्लक्स? तो सिंपल सा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करने के लिए हमें इसमें स्मॉल एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लीजिए। लेट अस कंसीडर, सपोज कीजिए ये हमने एक एरिया, स्मॉल एरिया ले लिया। स्मॉल एरिया एलिमेंट है जिसका एरिया वेक्टर कितना है सर? लेट अस सपोज कैपिटल ए है, हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया। अब अगर एरिया एलिमेंट है तो डेफिनेटली इसका एरिया तो कंसिडर कर सकते हैं हम इसका। तो लेट अस सपोज कि ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है, जो अल्पांश ले रखा है, इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है सर, लेट अस सपोज वो कितना है? ए है। इसका एरिया वेक्टर कितना है सर? ए है। और सर यहां पे अगर हम बात करें, क्या कहा हमने कि सर जो हमने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है सर, उसका एरिया कितना है? एक तो ये बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। लेट अस सपोज ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, लेट अस सपोज कैपिटल बी है। साथ ही हमने कहा सर हमने एक इसमें स्मॉल एलिमेंट रखा हुआ, एरिया एलिमेंट रखा हुआ है। तो सर इसका जो स्मॉल एलिमेंट दिया है उसका एरिया कितना है सर? लेट अस सपोज वो कितना है? ए है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी।
औसत एरिया कितना है इसका, ए है। तो सबसे पहले सर हम उसके डायरेक्शन की बात करना चाहेंगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, सर एरिया कौन से डायरेक्शन में होता है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है सर वो तो क्या होगा, सर मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है, जो हमने ये फील्ड लाइन ड्रॉ कर रखी है, जो चुंबक की बल रेखा है, विद्युत चुंबक की बल रेखा जो ड्रॉ है सर, उस वही डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो आप बात करें तो सर ये किसकी डायरेक्शन है, सर ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। अब सर हमें देखना है कि सर ये जो एरिया है सर वो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, सर यहाँ एरिया की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि सर कोई भी जो आप स्मॉल एलिमेंट लेंगे सर उसके जो एरिया की डायरेक्शन होती है सर वो ऑलवेज, जैसे आपने कोई भी स्मॉल एलिमेंट लिया सर ये एरिया एलिमेंट ले रखा है, तो सर इसका जो एरिया वेक्टर है सर उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। तो ध्यान रखना जो एरिया वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन होती है सर वो ऑलवेज जो आपने एरिया ले रखा है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। जैसे मान लो ये आपका सरफेस है तो सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सर इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे ये मार्कर की डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, सर ये दिखा रहा है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अगर आपने एडवांस ऐसे ले रखा है सरफेस आपका ये है तो सर इसका जो एरिया वेक्टर होगा सर वो क्या होगा, सर इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो देखो अगर आपने ऐसे लिया तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। आपने एरिया ऐसे कंसीडर कर रखा है तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा सर वो कहां पे होगा, सर सरफेस के परपेंडिकुलर। आप अगर ऐसा एरिया ले लेंगे तो देखो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, सर सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। अब आप देखिए सर यहाँ जो आपने एरिया वेक्टर ले रखा सर ये है, देखो अगर ये एरिया वेक्टर ऐसा होता तो सर इसका डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस कंट्रोल इस तरह से। अगर आप एरिया वेक्टर ऐसे ले लेते तो सर इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। देखो आप ऐसे लेते तो इधर आता परपेंडिकुलर, अगर आप ऐसे लेते इसके पैरेलल लेते तो सर एरिया वेक्टर इधर आता। पर आप देखो जो हमने एरिया एलिमेंट ले रखा है सर ना तो वो कंप्लीट परपेंडिकुलर है सर ना ही वो कंप्लीट पैरेलल है सर, वो थोड़ा सा इस एंगल पे इस तरह से लिया हुआ आपने। तो सर ऐसे है तो सर इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, सर इसके परपेंडिकुलर, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सर यहां जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी सर वो ये होगी। तो देखिए यहाँ पे कितनी डायरेक्शन हमने ले रखी है सर, एक तो है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सर ये है, एक सर क्या है एरिया वेक्टर सर वो ये है। तो आप देखो इसके बीच में कुछ एंगल दिख रहा है, तो सर ये थीटा कौन है, सर थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो एंगल थीटा कौन है, सर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो सर हम किसकी बात कर रहे थे, सर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे थे। तो देखो हमने कुछ नहीं किया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है, उसमें सर हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले रखा है जिसका एरिया कितना है ए है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी है। तो सर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या मीनिंग है, सर जो आपका चुंबक के फ्लक्स है तो उससे क्या मीनिंग है, उसका क्या क्या समझते हैं उससे। तो बहुत सिंपल सा है, अगर हम इसका फिजिकल मीनिंग समझे, अगर थॉटिकल समझे तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपने स्मॉल एलिमेंट ले रखा है सर उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है, कितना इससे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड इससे फ्लो हो रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने जो स्मॉल एरिया एलिमेंट ले रखा है सर इससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स, कितना मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है, इसके इनसाइड से कितना मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है सर, वही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। या अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में बोले, अपनी भाषा में बोले तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने लिया है तो स्मॉल एरिया एलिमेंट से कितनी फील्ड लाइन कौन सी फील्ड लाइन सर, सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये कौन है सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है सर, ये भी कौन है सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस एरिया एलिमेंट से क्या कर रही है, पास कर रही है, इस एरिया एलिमेंट से पास करने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की नंबर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या है सर, वही क्या कहलाता है सर, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। बहुत सिंपल है, अल्पांश से पारित विद्युत चुंबक के बल रेखाओं की संख्या, कोई भी एरिया एलिमेंट है उससे पारित विद्युत चुंबक के बल रेखाओं की जो संख्या होती है सर उसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबक के फ्लक्स बोलेंगे या मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, बहुत सिंपल सा है कि इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से जो पासिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड लाइन्स होती है उनका जो नंबर ऑफ है सर वही क्या कहलाता है,
मैग्नेटिक फ्लक्स से कहलाता है, पर उसमें कंडीशन ये है कि ये जो आपका एरिया एलिमेंट है सर वो इसके परपेंडिकुलर रखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस तरह से देखो, ये आपका है, आपका ये हमने लिया, तो हमें एरिया एलिमेंट इसके परपेंडिकुलर रखना होगा, इसके नॉर्मल रखना होगा। जब आप एरिया एलिमेंट को इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलराइज करते हो, परपेंडिकुलराइज करते हो या नॉर्मल रखते हो, उस पोजीशन में जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन से पास होती है, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन से पास हो रही है, तो वही क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। आप देखो परपेंडिकुलराइज रखा आपने, तो कितनी फील्ड लाइन पास करी सर? 1 और 2। तो सर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? 2 होगा। यहां देखो हमने जो एडवांस किया सर, वो इसके नॉर्मल परपेंडिकुलर नहीं रखा हुआ है, थोड़ा सा हम इसको एंगल दे रहे हैं, ठीक है? तो आप ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर पोजीशन में, परपेंडिकुलर पोजीशन में जितनी फील्ड लाइन से पास करेगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास कर रही है, तो वही क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या डेफिनेशन हुई? अगर हम डेफिनेशन बोले इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो हम क्या बोल सकते हैं? तो हम बोलेंगे सर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या डेफिनेशन होगी? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया पैलेस नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल पोजीशन में जब रखा होता है तो सर इसके कितनी फील्ड लाइन पास कर रही है? नंबर ऑफ पासिंग फील्ड लाइन, ठीक है? लंबवत अवस्था में चुंबक के बल, पारित चुंबक के बल रेखाओं की संख्या, लंबवत अवस्था में पारित चुंबक के बल रेखाओं की संख्या, ये क्या कहलाता है? चुंबक के फ्लक्स कहलाता है। सिंपल बोल दो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया पैलेस नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो ये आपकी डेफिनेशन है कि नॉर्मल पोजीशन में इससे कितनी फील्ड लाइंस पास करती है सर। वो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सर, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कॉल करेंगे। इसके सेकंड डेफिनेशन पे अगर हम आए तो देखो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी बन सकती है। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी सर? आप देखो ये हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया सर, कितना उसके मैग्नेटिक कितना है सर? कैपिटल बी है सर, या हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट ले रखा है उसका एरिया कितना है? ए है। तो अगर हम मैथमेटिकल हम फॉर्मूला ड्राइव करें मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? सर बी डॉट ए होता है। क्या होता है? बी डॉट ए होता है, जहां हम पूरा लिख सकते हैं कि फाई क्या है? सर मैग्नेटिक फ्लक्स है। सर बी कौन है? सर मैग्नेटिक फील्ड है। सर ए कौन है? सर एरिया वेक्टर है। एरिया है सर किसका? जो आपने स्मॉल एरिया एलिमेंट ले रखा है। तो सर ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है सर? एरिया वेक्टर है। तो यहां से भी एक डेफिनेशन हम मैग्नेटिक फ्लक्स का डिजाइन कर सकते हैं सर। क्या बोल सकते हैं? आप देखो क्या है सर, ये सर ये है स्केलर प्रोडक्ट। क्या है सर? अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट है सर। हम बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां से भी हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं, जो हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है तो उससे भी हम एक डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। क्या? कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड
मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो आप चाहे ये या फिर सेकंड बोलो, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो phi equivalent क्या आएगा, फिर बी ए cos of theta आएगा, जहां हम पूरा डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपका phi कौन है सर, ये तो है मैग्नेटिक फ्लक्स, कौन है सर ये, तो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स है, और सर ये बी कौन है सर, ये है मैग्नेटिक फील्ड है, ये कौन है आपका सर, मैग्नेटिक फील्ड है, और सर ए कौन है सर, ये एरिया वेक्टर है, ए कौन है सर आपका, एरिया वेक्टर है, और सर थीटा कौन है, तो सर थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बिटवीन का एंगल, तो हम बोलेंगे थीटा कौन है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ओके। तो यहां से हमने अभी तक कहीं कुछ नहीं किया, केवल मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया है, सिंपल सी दो डेफिनेशन बोल सकते हो, एक तो मैथमेटिकल बोलेंगे, तो बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर सेकंड डेफिनेशन हमने बताई तो वो सिंपल है कि परपेंडिकुलर पोजीशन में जितनी फील्ड लाइन, जितनी फील्ड लाइन इससे पास होती है, तब वो जो है उसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया, ठीक है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, पर कौन सी पोजीशन में होना चाहिए, नॉर्मल पोजीशन में होना चाहिए। तो यहां तक हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइंड कर दिया। अब देखो यहां से हम बात कर रहे हैं सर, ये जो आपने एरिया एलिमेंट ले रखा है सर, उससे टोटल जो पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है सर, वो मैक्सिमम कब होगा सर, वो मिनिमाइज कब होगा, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत सिंपल है। हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं क्या सर, यहां से हम दो केस करेंगे, हम एक तो करेंगे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम कब फाइंड आउट होता है, और सर वो मिनिमाइज कब फाइंड आउट होता है, तो हम पहला कर रहे हैं केस फर्स्ट। सर केस फर्स्ट में हमने कहा कि सर यहां पे थीटा कौन है सर, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। लेट अस सपोज सर, अगर आप यहां इनके बीच का एंगल चेंज करते हैं, थीटा चेंज करते हैं, तो आप देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। अगर थीटा कितना है जीरो, तो cos 0, थीटा कितना है 90, तो cos 90, 1 into 180, तो आप जब थीटा वेरी करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या करेगा, वेरी करेगा, और कुछ ऐसी कंडीशंस होगी जहां मैग्नेटिक फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, और कुछ ऐसी कंडीशंस होगी जहां मैग्नेटिक फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, मिनिमाइज मिलेगा। तो वो हम वो कंडीशन ही फाइंड आउट कर रहे हैं कि सर ऐसी कौन सी कंडीशंस है, ठीक है, जहां मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम फाइंड आउट होता है, और ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां मैक्सिमम और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा सर, मिनिमाइज हो। तो हम यहां पर थीटा की वैल्यू क्या ले रहे हैं, जीरो। पहला केस लेट अस सपोज थीटा हमने क्या लिया सर, जीरो लिया। सेकंड केस में हम क्या करेंगे सर, जो केस सेकंड होगा सर, उसमें हम थीटा की वैल्यू क्या करेंगे सर, थीटा विल बी 90। तो हमें टू केस ले रहे हैं, एक बार थीटा कितना लेना है जीरो, और एक बार थीटा हमें क्या लेना है 90। तो देखिए सर थीटा जीरो कब होगा सर, थीटा कौन है सर, मैग्नेटिक फील्ड और सर एरिया वेक्टर के बिटवीन का एंगल है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब आपने क्या कहा सर, थीटा विल बी जीरो, तो ये थीटा जीरो कब होगा, जब एरिया वेक्टर कहां पे आए सर, आप देखो एरिया वेक्टर ड्राइव करके लाओ सर, तो आप ड्राइव करके लाओ तो थीटा क्या होगा सर, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होता 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 कितना हो जाएगा, जीरो। तो आप देखो ये थीटा जीरो कब होगा, जब एरिया वेक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही आ जाए। ये आपका कौन है सर, हम कह सकते हैं अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा लगेगा सर, यहां इस तरह से करना पड़ेगा, हमने कहा थीटा जीरो कब होगा, जब आपने ये मैग्नेटिक फील्ड लिया, और आप क्या करें सर, ये जो आपका स्मॉल एरिया एलिमेंट है सर, इसको इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखिए सर, क्या रखें, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और सर ये आपका एरिया अल्फा से एरिया एलिमेंट है सर, इसको क्या करना है सर, इसके परपेंडिकुलर पुट आउट करें आप। तो देखो परपेंडिकुलर रखेंगे तो क्या होगा सर, आप देखो ये किसकी डायरेक्शन है सर, देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, कौन है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ओके। अब हमें क्या देखना है कि सर, जहां आप देखो
जैसे आप इसको ड्रिल करेंगे ठीक है, एरिया को खेचिए आप, तो एरिया करो तो थीटा क्या होगा, डिक्रीज, और डिक्रीज होते होते कितना हो जाएगा, जीरो। तो जीरो कब होगा, जब एरिया वेक्टर और मैग्नेट क्या होगी सर, एक ही डायरेक्शन में आएंगे। तो आप देखो, अगर हम किसी स्मॉल एरिया एलिमेंट को इस फील्ड के परपेंडिकुलर पुट करेंगे तो सर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया है सर वो एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। कैसे सर, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो भाई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो वो तो मैग्नेटिक फील्ड किसी डायरेक्शन में है, आपने ले रखा सर फील्ड लाइन की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब सर किसको देखना है, हमें एरिया वेक्टर इसको देखना है, सर एरिया वेक्टर को हमें देखना है। तो अगर एरिया वेक्टर देखिए, बताया था हमने आपको कि वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन है सर वो ऑलवेज कहां होती है, सर जो आप सरफेस ले रहे हैं उसके परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा है तो एरिया वेक्टर ये होगा, अगर ऐसा है तो एरिया वेक्टर आपका ये आएगा। क्षेत्रफल की दिशा इसकी क्या आएगी, लंबवत सरफेस की क्या आती है, परपेंडिकुलर आती है। तो आप देखो हमने सरफेस क्या ऐसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो आप देखो इसमें एरिया किधर आएगा, सर इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, एरिया की। तो यहां एरिया और मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड सर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो यहां थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। तो थीटा जीरो कब आता है, जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर इसमें होने चाहिए सर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। थीटा जीरो कब होगा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। तो हम कह रहे हैं कि पहला केस क्या है, थीटा का मान जीरो लीजिए, या फिर बोलें क्या होगा यहाँ पे सर क्या होगा, और इसको हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ओके, तो हमने पहला केस के लिए रखा है कि थीटा का मान कितना लिया, जीरो। और आप जानते हो थीटा जीरो कब होगा, जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो। तो यहां थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। देखो ये दिख रहा है एंगल थीटा आपके बीच में। ओके, जब आप वेक्टर एरिया को इधर आप ब्रेक करेंगे तो थीटा डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होता होता जब एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में आ जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। तो थीटा जीरो कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो आप बताओ यहां पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना मिलने वाला है। तो आप देखो यहां जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सर वो क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम मिलेगा। आप फाइंड आउट कर सकते हैं मैथमेटिक्स से, पाई बराबर कितना है, फॉर्मूला लिखो क्या होता है सर, पी ए कॉस ऑफ थीटा होता है। बट हियर यहां थीटा कौन है सर, थीटा कितना है, जीरो है। तो आप बोलेंगे हियर यहां मैग्नेटिक फील्ड और एरिया एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा कितना होगा, जीरो हो गया। तो फाई विल बी कितना होगा सर, ये होगा बी ए इनटू कॉस ऑफ जीरो। पर कॉस जीरो का मान कितना होता है, वन होता है। तो हम यहां लिखेंगे ये कितना आएगा सर, बी ए पर इनटू कितना होगा, वन। पर कॉस जीरो की जो वैल्यू वन है सर वो कौन सी होती है सर, वो कॉस थीटा का मैक्सिमम मान होता है। वन क्या है सर, कॉस थीटा का मैक्सिमम मान होता है। तो जब कॉस थीटा अपने मैक्सिमम मान पे है तो सर यहां जो फ्लक्स है सर वो भी अपने मैक्सिमम मान पे होगा। तो आपने देखा कि यहां पर जो हमें फ्लक्स मिलेगा सर, यहां हमें जो फ्लक्स मिला सर वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो आपने क्या फाइंड आउट किया सर, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला कि जब हम जब आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो वहां जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सर वो क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। क्या मिलता है सर, मैक्सिमम मिलता है। तो हम कह सकते हैं इन दिस केस पासिंग फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया इज द मैक्सिमम। कौन सा केस है, जब थीटा विल बी जीरो हो, या ऐसे बोलो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो वहां जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सर वो क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। पर आप ये ऑलवेज ध्यान रखना सर, ये कंडीशन तभी आएगी जब हम इस एरिया एलिमेंट को इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर। सर क्वेश्चन माइंड में क्लियर करता है सर, हम इसको तो परपेंडिकुलर पुट कर रहे हैं और एंगल आप सर जीरो ले रहे हैं। तो आप देखो एंगल सरफेस के साथ नहीं ले रहे हम लोग, जो हमारा एंगल है सर वो सरफेस के साथ में नहीं है, एंगल है हमारा एरिया वेक्टर के साथ में। तो जब आप इसको परपेंडिकुलर, जब इस सरफेस को परपेंडिकुलर डालोगे
तभी एरिया वेक्टर किधर आएगा सर? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। तो परपेंडिकुलर लिखोगे तो एरिया वेक्टर किधर आ गया सर? ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। और यहाँ मैग्नेट प्लस क्या मिलेगा? मैक्सिमम। सेकंड केस हमने कहा सर थीटा विल बी 90। तो सर यहाँ थीटा 90 कब होगा? सर सेम है, जीरो कब हुआ? जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ गए। अब 90 कब होगा? जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक क्या हो सर? क्या हो? परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर। यहाँ एंगल को ऐसा बनाना पड़ेगा इस तरह से बनेगा आपका कि सर ये आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये देखिए। अब आप क्या करें सर, जो सरफेस ले रखा है आपने सर, उसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखते हैं। एक बार आपने क्या किया, जो आपने सरफेस लिया सर, उसको क्या कर रखा है सर? इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा। तो जब परपेंडिकुलर रखोगे तो सर एरिया वेक्टर कितना आ गया? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया। और थीटा कितना हुआ? जीरो। और वहां फ्लक्स क्या मिला? मैक्सिमम। अब हम कह रहे हैं सर, अब आपको क्या करना है सर? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका ये सरफेस है सर, हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया। क्या रख दिया सर? इसको पैरेलल रखा है। तो इस केस में क्या होगा? देखो सर, यहाँ अगर आप देखें तो सर, यहाँ सर ये तो कौन है सर? ये तो है मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र। ओके। अब सर, अब हमें देखना है सर एरिया वेक्टर कहाँ पे है, क्योंकि सर थीटा कौन है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सर बताइए अब यहाँ एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा? तो वो तो हम बता चुके हैं आपको कि जब भी आप एरिया वेक्टर की बात करेंगे सर, वो कहाँ पे होता है? सरफेस की परपेंडिकुलर। अगर सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसा है तो एक्स से होगा। तो बताइए क्या हमने अभी एरिया वेक्टर ऐसे ले रखा है, सरफेस ले रखा है क्या? तो इसका जो एरिया वेक्टर किधर आएगा सर? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो आप देखो ये होगी डायरेक्शन किसकी सर? एरिया वेक्टर ए की। तो आप देखो जब हम सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखेंगे तो एरिया और मैग्नेट आपस में क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। और जब आप परपेंडिकुलर रख रहे हो तब आप देखो एरिया और मैग्नेट क्या हो रहा है सर? सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो आप ध्यान रखना जब परपेंडिकुलराइज करते हैं तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। और यहाँ फ्लक्स क्या मिलेगा? मैक्सिमम। लेकिन अगर आप जो सरफेस है सर उसको इसके परपेंडिकुलर लिख देंगे, रख देंगे, तो उस केस में एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और आप देखो यहाँ से कोई फ्लक्स इसमें पास नहीं कर रहा। देखो फील्ड लाइन इसके ऊपर से निकल रही है, इसके नीचे से निकल रही है, पर इस एरिया एलिमेंट से क्या वो फील्ड लाइन पास हो रही है? नहीं सर। तो यहाँ पासिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सर वो कितना होगा? सर जीरो। कितना होगा? जीरो। या से बोलो वो क्या होगा? मिनिमाइज। क्या होगा? मिनिमाइज। आप मैथमेटिकल देखिए कितना है सर, मिनिमाइज आने वाला है। तो फाइव आर में कितना होता है सर? ये होता है बी ए, ठीक है, बी ए कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है? 90। या फिर हम बोलेंगे इन वर्ड क्या लिख सकते हैं कि थीटा 90 कब होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तब थीटा कितना होगा? 90। तो केस कौन सा? सेकंड, कि और या यहां पे क्या था? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है सर, ये आपस में क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। थीटा विल बी क्या होगा? 90। तो देखो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, दिख रहा है सर? जीरो आना चाहिए, मिनिमाइज आना चाहिए। ठीक है, तो कितना आएगा? आप देखो बी ए कॉस थीटा होता है, पर बट ये थीटा कितना है यहाँ पे? 90 है। तो आप देखो फाइव आवर कितना आएगा सर? ये आएगा बी ए इंटू कॉस ऑफ 90। बट कॉस 90 कितना होता है? जीरो होता है। तो आप देखिए कितना आएगा? बी ए इंटू जीरो। तो आप देखो फ्लक्स कितना आएगा? जीरो। तो यहाँ फ्लक्स की वैल्यू ये कौन सी है? मिनिमाइज है। तो हमने दो इंपॉर्टेंट रीजन निकाले सर, ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमाइज होता है। तो बहुत सिंपल है, अगर हम एरिया एंड सरफेस लें और सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलराइज करेंगे तो वहां एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ थीटा कितना होगा? जीरो होगा। और वहां मैग्नेटिक फ्लक्स क्या मिलता है? मैक्सिमम। लेकिन अगर हम सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही रखते हैं तो आप देखो यहां पर थीटा किसको जाएगा? 90 को जाएगा। और यहां हमें फ्लक्स क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा या मिनिमाइज मिलेगा।
और सर अगर इसके बीच में यहाँ हमने कल क्या किया है तो परपेंडिकुलर, फिर यहाँ पे क्या रखा सर पैरेलल, सर ये वाली जो कंडीशन है सर वो क्या है सर इसके बिटवीन कंडीशन है। देखो ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर और सर ये ऐसे हो जाएगा पैरेलल, तो सर ये जो कंडीशन है वो क्या है सर इसके, ना तो हमने इसको पैरेलल पुट किया है ना हमने इसको परपेंडिकुलर किया है, सर थोड़े से एंगल पे रखा यू करके, तो यहाँ जो पासिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां से जो पासिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा सर वो मैक्सिमम से तो क्या होगा थोड़ा सा कम होगा और सर मिनिमाइज से थोड़ा क्या होगा ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में किसी एंगल थीटा पर, किसी एंगल थीटा पर जो पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा सर वो इस मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा सा कम और सर मिनिमाइज वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये था आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है सर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर बोलते हैं क्या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। और फिर इसका फॉर्मूला हो गया और हमने कुछ नहीं किया सर, थीटा को एक बार क्या बनाया जीरो और फ्लक्स क्या हुआ मैक्सिमम और थीटा फील्ड भी क्या है 90, तो फ्लक्स क्या मिला है मिनिमाइज। अब इसके बाद में हम इसके यूनिट्स बना लेंगे। ठीक है, तो आप इसका यूनिट बनाइए, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसकी। तो देखिए इसका अगर यूनिट बनाए तो क्या होगा, पर आप देखो यहां पे क्या कर रहे हैं
सर इन दोनों वेक्टर का सर स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, अदिश गुणनफल कर रहे हैं। और हम पहले बता चुके हैं कि अगर कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज का स्केलर प्रोडक्ट हम करते हैं, अदिश गुणनफल हम करेंगे, तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी सर वो ऑलवेज क्या होगी सर, स्केलर होगी, अदिश होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा सर, स्केलर होगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं। और स्केलर प्रोडक्ट में जो हमें क्वांटिटीज मिलती है वो ऑलवेज क्या होती है सर, स्केलर होती है, अदिश राशि होती है। तो हम बोलेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सर वो क्या है सर, स्केलर, वो क्या है सर, क्या है सर, स्केलर है। तो ये भी ध्यान रखना। तो ये हमने क्या किया सर, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर ली, इसकी डेफिनेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू, उसके मिनिमाइज वैल्यू, फिर इसके यूनिट्स बना लिए, और लास्ट में क्या देखा कि सर ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। इसके बाद में से कुछ बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स देखो किस टाइप की आएगी, हम कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। आपके टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स है, तो कैसी प्रॉब्लम देखो आ सकती है आपके पास में, हम दो तीन प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। पहली जो प्रॉब्लम है देखिए क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल सी है, उसने कहा, हमने बताया कि मैग्नेटिक जो फ्लक्स फाई होता है सर वो क्या होता है सर, सर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या होता है सर, स्केलर प्रोडक्ट होता है सर। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो सर यहां से हम लुकआउट कर रहे हैं कि सर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए और सर हमें एरिया वेक्टर मिल जाए तो क्या करेंगे सर, हम इसका स्केलर प्रोडक्ट करके मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते। तो यहाँ पहला ऑप्शन यही है, इसने क्या गिवन कर रखा है हमें सर, इसने मैग्नेटिक फील्ड गिवन दे रखा है, एरिया वेक्टर भी इसने गिवन किया हुआ है। सर मैग्नेटिक फील्ड देखो कितना है, उसने कहा ये है 2i cap - 2k cap, और सर एरिया वेक्टर कितना है सर, एरिया वेक्टर है 3i cap + j cap + 2k cap, और सर इनटू में कौन है 10^-2 मीटर स्क्वायर, ये इसने गिवन किया। हमें क्या कर रखा है सर, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और सर एरिया वेक्टर भी दे रखा है। तो आप देखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सर वो भी क्या है, वेक्टर फॉर्म में है सर, जो एरिया वेक्टर है सर वो भी क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। तो अगर हमें ये दोनों वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट है, गिवन है, तो हम डायरेक्टली सर क्या करेंगे, इनका स्केलर प्रोडक्ट कर देंगे और सर मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, अगर ये दोनों ही वेक्टर फॉर्म में हो। अच्छा तो देखो अगर आप बात करें तो फ्लक्स फाई बराबर कितना होता है सर, BA cos थीटा भी होता है सर, यहां से ही तो फाइंड आउट कर सकते हैं सर। पर देखो आप यहां पर कब आएंगे, जब वो मैग्नेट्यूड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट मिले, एरिया का मैग्नेट मिले, एंगल मिले, तो हम यहां पे बात करेंगे। उसने क्या किया है सर, एंगल की बात नहीं कर रहा, वो डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड क्या है सर, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, और जो एरिया है सर वो भी वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। तो सर यहां पे हम डायरेक्ट स्केलर प्रोडक्ट करके मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, और जब वो मैग्नेटिक की बात करेगा या फिर एंगल की बात करेगा तो फिर हम क्या करेंगे सर, यहां से हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल तो आप देखो बहुत सिंपल सा है, फाई विल बी इक्विवेलेंट कितना होगा सर, बी डॉट ए, तो आपको क्या दे रखा है, बी दे रखा है कितना है सर, ये है 2i cap, देखो जे वाले टर्म्स में तो क्या लिखेंगे, +0j cap और -2k cap, यहां पर जीरो जे वाले क्रम्स नहीं थे, जे कैप वाली, तो जीरो जे कैप करके पुट कर ले उसमें। फिर सर डॉट कौन आएगा सर, एरिया वेक्टर कौन है सर, ये 3i cap + j cap + 2k cap, और सर इनटू में कौन है 10^-2, तो ये कौन है आपका सर, ये है मैग्नेटिक फील्ड सर, ये कौन है एरिया वेक्टर, और क्या कर रहे हैं सर, इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं सर, स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो सर कैसे होता है हम जानते हैं सर, यहां तो सर i.i 1 k.k 1 और k.k 1, और इसके अलावा रिमेन जो होगा सर i.j 0 i.k 0 j.i 0 j.k 0, तो कुल मिला के तीन ही टर्म्स मिलती है, i.i j.j और k.k, ये सब किसको जाएंगे, 1 को, और इसके अलावा जो बाकी टर्म्स है किसको जाएगी, 0 को जाएगी। तो आप डायरेक्टली कर ले i.i j.j और k.k, ये तीन ही टर्म मिलती है, इसके अलावा जो रिमेनिंग 6 टर्म्स है वो किसको जाती है, 0 को जाती है, ये हम 11th क्लास में कर चुके हैं। तो आप देखो कितना होगा i.i, तो कितना आएगा सर, ये आएगा 2 into 3, और क्या आएगा सर i.i, ये प्लस
फिर कौन है सर, जे इंटू जे तो क्या है सर जीरो, तो ये आएगा सर जीरो इंटू यहाँ पे कौन है वन, तो क्या आएगा सर जे डॉट जे, फिर क्या आएगा प्लस कौन है सर ये माइनस टू, तो माइनस टू इंटू क्या आएगा यहाँ पे कौन है टू, और हो गया। और बाहर क्या आएगा, तो बाहर आएगा के डॉट के, और ये हमने किया। चलिए क्या है सर आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, और इंटू भी कौन चल रहा है टेन की पावर माइनस टू, ये तो कंबाइंड है, कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए। अब देखो i dot i कितना होता है 1, j dot j कितना होता है 1, और k dot k कितना होता है 1, तो अब सॉल्व करिए तो कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 6, ये आएगा 0, और लास्ट में कितना आएगा माइनस का 4, माइनस का 4, और इंटू में कौन है 10 की पावर माइनस 2, तो आप देखो कितना आया, तो आया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये कौन है सर 5। सर किस में आएगा, सर हमने बताया यूनिट बताया सर वेबर भी होता है और मैक्सवेल भी होता है, तो एम के एस में लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा वेबर, तो हम फिलहाल अगर ये मीटर स्क्वायर दे रखा है तो सर किसके में है सर, और ये किस में दे रखा है टेक्सला में दे रखा है, किस में दे रखा है टेक्सला में, तो सर किसके सर एम के एस में है, तो यहाँ क्या आएगा सर वेबर, क्या आएगा सर वेबर आएगा, तो आप ध्यान रखें। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आ सकता है कि डायरेक्ट आपको मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर किस में है सर वेक्टर फॉर्म में दे, तो आप डायरेक्ट स्केलर प्रोडक्ट करके भी मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा है सर सेकंड क्वेश्चन, इस पे हम निकालना चाह रहे हैं कि आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा, एरिया वेक्टर देगा, और क्या देगा एंगल देगा, क्या देगा एंगल, तो आप यहां से भी आप निकाल लें कितना आने वाला, देखो देखिए सेकंड क्वेश्चन अगर अपन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से ही है, उन्होंने कहा कि एक सर्कुलर कॉइल है, क्या है क्वेश्चन नंबर है आपका 2, एक सर्कुलर कॉइल एंगल और दे दीजिए सर, तो सर ये एंगल कौन होता है, तो बताया था मैंने एंगल आपको,
मेटल सर, ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ए, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बी, और सर ये इसका कौन होता है एरिया बताना, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है तो इसके क्या आएगा सर, परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, ये जो आपका सरफेस है ये आपका सरफेस हुआ तो सर इसके क्या लेना पड़ेगा सर, ये आपका सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ये, तो ये कौन है सर, डायरेक्शन ऑफ द एरिया। तो सर थीटा क्या होता है सर, थीटा होता है इसके बीच का एंगल, ये हमें थीटा चाहिए होता है, इसके बीच का एंगल हमें चाहिए होता है। तो सर केवल मैग्नेट मिल गया, एरिया मिल गया, बस आप सर आप एक एंगल और दे दीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का है। तो देखो ये एंगल अगर आपको कहा गया 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, हमने कहा था सपोज ये 30 डिग्री है कह दिए, तो फिर तो सिंपल क्वेश्चन होगा कि क्या सर बी दे रखा है, एरिया दे रखा है और थीटा कितना है सर 30 डिग्री है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बी ए कॉस ऑफ थीटा, बी ए कॉस ऑफ थीटा तो आंसर भी आ गया, लो कितना है सर बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, एंगल मिल गया ठीक है, कौन सा एंगल, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन का एंगल। लेकिन बहुत सिंपल है सर, सारे वैल्यू पुट करें आंसर आ जाएगा आपका, तर कैसे तर 5 × 10⁻³ इनटू एरिया कितना है सर 4 और क्या है सर cos of 30, अब आंसर आ गया। लेकिन यहां पे देखो इसने क्या कर रखा है, अगर ये सिंपल इस तरह से आए तो इजी है कि मैग्नेट दिया, एरिया दिया और उसके बिटवीन एंगल दिया, सिंपल क्वेश्चन है। पर कई बार क्या करता है वो कि आपको जो एंगल गिवन करना है उसको, उसको एंगल आपको देना है, तो एंगल वो क्या करेगा कि सरफेस के साथ दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड का एंगल एक तो एरिया से निकालना है आपको, फॉर्मूले में जो एंगल है सर वो किसका है, एरिया के साथ एंगल है किसका, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का एंगल किससे लेना चाहिए आपको, एरिया से। पर कई बार वो क्या करेगा कि एंगल जो आपको देगा सर वो मैग्नेटिक फील्ड एरिया और मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा, वो देगा ऐसे सरफेस के साथ, ये है आपका सरफेस, ये कौन है आपका सरफेस है। तो देखो एंगल हमें चाहिए ये, मैग्नेटिक फील्ड एरिया के साथ एंगल कितना बना रहा है, एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है, ये एंगल चाहिए हमें ये। पर कई बार वो एंगल आपको ये गिवन नहीं करेगा, वो क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल देगा आपको, ये वाला, ये वाला मैग्नेटिक, हमें एंगल कौन सा चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर से के साथ कितना एंगल बनाता है थीटा, वो चाहिए। तो ये एंगल हमें गिवन होना चाहिए ठीक है, जैसा अभी किया था 30 एंगल दे रखा है तो हो गया। लेकिन वो क्या करेगा कि एंगल हमें चाहिए वेक्टर के साथ में, पर वो देगा सरफेस के साथ में, ये एंगल दे देगा आपको, ये वाला एंगल। और देखो ये क्वेश्चन में ये ही दे रखा है कि ये जो आपको एंगल 60 डिग्री दे रखा है वो किसका है सर, मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस के साथ गिवन है, तो कोई इश्यू नहीं सर, ये एंगल कितना है मैग्नेटिक फील्ड सरफेस कितना एंगल है सर 60 डिग्री पर, कितना है सर 60 डिग्री पर है, तो एंगल ये गिवन कर रखा है तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते भाई, मैग्नेटिक फील्ड का एंगल आपको चाहिए एरिया वेक्टर के साथ में, इसने दिया सरफेस के साथ में, तो आपको ये एंगल फाइंड आउट हो गया तो ये तो निकाला जा सकता है, ये कितना है 60, तो ये कितना आएगा 30, क्यों, क्योंकि सर एरिया वेक्टर सरफेस के ऑलवेज क्या होता है परपेंडिकुलर, ये जो आपका एरिया वेक्टर है सर वो सरफेस के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल कितना है 90 है सर, तो ये कितना है 60, तो ये कितना बच गया 30, कितना बच गया 30, तो ऑलवेज ये ध्यान रखना कि जो एंगल हमें गिवन है सर वो किसके बीच होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच होना चाहिए, अगर इनके बीच का एंगल गिवन है तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। कई बार वो क्या करता है एंगल हमें ये चाहिए पर वो एंगल देगा सरफेस के साथ, तो कोई बात नहीं सरफेस के साथ में दे तो आप एरिया वेक्टर का फाइंड आउट कर लें, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, इसको 30 देगा तो ये कितना हो जाएगा 60, ये 40 है तो ये भी कितना होगा 45, तो ऐसे निकाला जा सकता है। तो आप देखो एंगल हमें यहां पे कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, ओके तो आप कर लीजिए, तो 5 बराबर कितना आएगा सर, ये आएगा बी ए और इनटू में क्या आएगा आप पुट करें, बी की वैल्यू कितनी है सर, ये है 5 × 10⁻³ इनटू एरिया कितना है 4 और इनटू में क्या है cos ऑफ 60, cos ऑफ 60, और अगर आप सॉर्ट आउट करें तो कि 5 × 10⁻³ × 4 और cos 60 की जो वैल्यू है सर वो कितनी होगी सर, आप जानते हैं cos 60 की वैल्यू पुट करें और क्या करें सर मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लें, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी। ऑर्डिनरी प्रॉब्लम से ये तो सिंपल सा है,
मैग्नेटिक फ्लक्स को लेकर या तो वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड देगा और एरिया वेक्टर देगा, तो क्रॉस वेक्टर भी निकाल लो या सिंपल फिर बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक मिलेगा, एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक मिलेगा और इनके बीच का एंगल, एंगल इनके बीच का भी गिवन कर सकता है, तभी मैग्नेटिक फील्ड सरफेस से कितना एंगल बना रहा है वो भी आपको गिवन कर सकता है। तो सरफेस के साथ एंगल नहीं लेना होता आपको, मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर से कितना एंगल बनाता है वो चीज। तो अगर ये 60 कितना होगा 30, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप और भी बुक में देखें। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, उस की मैक्सिमम वैल्यू का फाइंड आउट होगी, मिनिमाइज वैल्यू का फाइंड आउट होती है और इसके यूनिट्स वगैरह की बात करें, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स कर ली। अब मैग्नेटिक फ्लक्स पर ही हमारा मेन टॉपिक तो क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर ही इस हम टॉपिक को डिस्कस कर पाएंगे, जो किसने गिवन किया था, फैराडे ने। किसने गिवन किया था, तो फैराडे। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।